हेलो गाइस, मैं पूजा। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आपको पनीर, कढ़ाई पनीर बनाना बताऊंगी। ठीक है? कढ़ाई पनीर मींस जो कढ़ाई पनीर बनता है उसमें वेजिटेबल काफ़ी बड़ी बड़ी डलती हैं। जैसे देखिए, मैंने प्याज जो है वो काट ली है, ये ग्रीन चिली है और ये पनीर के स्लाइसेस हैं, और ये मैंने 2 ग्रीन चिली और रखी हैं इसके ऊपर, बाद में इसको सही से मतलब लास्ट में डालने के लिए, अगर आपको अच्छा लगे तो डालें। और ये है आपकी शिमला मिर्च और ये हो गया टमाटर। ठीक है? तो मैंने ये प्रेपरेशन पहले कर ली थी। और मसाले आपको पता ही है कि बिल्कुल नॉर्मल मसाले हम लोग यूज़ करते हैं, और बस मैंने एक मसाला बढ़ाया है, ये वाला, ये है पनीर मसाला, सिंपल जो हम लोगों को मिल जाता है इजीली हर जगह। और इसमें हम यूज़ करेंगे मलाई। ठीक है? तो जो घर में हमारी मलाई होती है, मतलब जो हम दूध के ऊपर से उतारते हैं, मैं नॉर्मली वही मलाई यूज़ करूँगी। कुछ लोग इसमें ना दही भी यूज़ करते हैं, तो वो जिनको अगर मलाई नहीं चाहिए, क्योंकि मलाई से ना थोड़ा ऑयली ऑयली हो जाता है, तो लेकिन मेरे को वही वही फ्लेवर चाहिए होता है, क्योंकि मेरे घर पे बच्चे वही पसंद करते हैं और मेरे हस्बैंड भी। तो देखिए, ये सामान बस हमें चाहिए। और देखिए, मेरे बनाने का तरीका आप लोगों को पता ही है, मैं बहुत इजी वे में सारी चीज़ें बनाती हूँ, कोई तामझाम, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं। तो जो मैंने देखिए इसमें दिखाया है आपको, वो मेरी सिंपल सोबर सा सारा सामान है जो आपको ईजिली घर पर मिल जाएगा, और पनीर भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बनेगा। तो आप देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो देखिए, ये मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है 1 रमचा। ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें मलाई यूज़ करेंगे, तो हमें ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए, क्योंकि मलाई भी अपना ऑयल छोड़ती है, तो वो उसकी वजह से ना फिर बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली हो जाएगा। तो आप इसमें बहुत थोड़े से ऑयल को डालें। ठीक है? तो ये सरसों का तेल है और मैंने ये डाल दिया है, और अब मैं इसमें जीरा ऐड करने वाली हूँ, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग। ठीक है? अब ये भुनेगा। हाँ, तो देखिए, अब ये जीरा भुन गया है, तो अब मैं इसमें प्याज और हरी मिर्च दोनों एक साथ छोड़ने वाली हूँ। ठीक है? तो ये मैंने देखिए इसमें डाल दिया है, और ये अब दोनों को एक साथ छोड़ के और हम इनको भूनेंगे आराम आराम से। और देखिए, आज हमने इनको ब्रेक दे दिया है। हेलो जी, इनको ब्रेक दे दिया है। आज मैंने इनको बोला है कि पनीर मैं बनाऊंगी, और ये मेरी बेटी ये आराम से देख रही हैं कि मम्मा पनीर कैसे बनाएंगी, क्योंकि मैं कुकिंग बहुत कभी कभी करती हूँ, रेयरली करती हूँ, ऐसा रोज़ रोज़ कुकिंग नहीं करती हूँ। तो ये लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है आजकल मैं कुकिंग कर करके दिखा रही हूँ। तो ठीक है? तो देखिए, ये प्याज हल्की हल्की हमें गोल्डन ब्राउन करनी है, और उसके बाद हम इनमें और चीज़ें छोड़ेंगे। तो इसको गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। तो देखिए, अभी ये ब्राउन प्याज जो है हल्की हल्की ब्राउन हो गई है। ठीक है? बस हमें इसी स्टेज पे इसमें शिमला मिर्च ऐड करनी है। देखिए, अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल रहे हैं। ठीक है? शिमला मिर्च भी हमने ज़्यादा छोटी नहीं काटी है, क्योंकि देखिए आप ना ये चीज़ समझिए कि जो कढ़ाई पनीर होता है ना, उसमें वेजिटेबल दिखती रहती हैं, मतलब वेजिटेबल उसमें ना, इसीलिए हम शिमला मिर्च डालते हैं। जो शाही पनीर होता है उसकी ग्रेवी ना पूरी बिल्कुल मैश करी हुई होती है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा आपको कि क्या होता है। तो उसमें बादाम, छुआरे वारे ये सब चीज़ें भी डलती हैं, काजू वगैरह ये सब चीज़ें भी डलती हैं उसमें। तो लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं डलता है, इसमें तो बिल्कुल सिंपल वेजिटेबल डलेंगी और उसके बाद में आपका ये तैयार हो जाएगा। ठीक है? तो अब इसमें हम पटेटो करेंगे, टमाटो ऐड करेंगे। ठीक है? अब हमने इसमें ये टमाटो ऐड कर दिए हैं, और इसको हम अच्छे से चलाते रहेंगे। अब इनको हमें भुनने देना है थोड़ा टाइम ना, अभी भुन जाएंगे, उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। देखिए, अभी ये धीमी धीमी आँच पे भुन रही है। इसमें हमें बिल्कुल भी तेज फ्लेम नहीं करनी है, बहुत लो फ्लेम में ही बनाना है, क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा बनाने में, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। मैं तो 15 मिनट में मुश्किल से पनीर बना देती हूँ, और अगर वेजिटेबल वगैरह पहले की चॉपिंग कटिंग हुई रखी होती है तब। ठीक है? अगर आपको ये सारा काम करना पड़ेगा साथ साथ, तब आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर चॉपिंग कटिंग आपने पहले ही कर ली होगी तो आपको बनाने में टाइम नहीं लगता है। ठीक है? तो देखिए, ये मैंने बहुत सिम गैस पर मैं इसको बना रही हूँ, और उसके बाद ये धीरे 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 ऐसे पकते रहेंगे। इनको, इसको वेजिटेबल को ना हमें पूरी तरीके से गलाना नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये जब ग्रेवी के साथ में पकेगी तो ये गल ही जाएगी, लेकिन इसी स्टेज पे अगर हम इसको ज़्यादा गला लेंगे तो फिर ये नहीं अच्छी रहेगी। ठीक है? देखिए, ये भुन गया है। ठीक है? अब इसमें हम मसाले ऐड करने स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम 1 चम्मच धनिया डालेंगे। ठीक है? फिर 1/2 चम्मच हम लोग पनीर मसाला डालेंगे। फिर उसके बाद में नमक डालेंगे। ठीक है? स्वाद अनुसार जो भी आपको ठीक लगे, रेड चिल्ली क्योंकि हम बहुत कम खाते हैं तो रेड चिल्ली बहुत थोड़ी डालेंगे। ठीक है? फिर उसके बाद हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। तो बस इतना ही मैं इसके अंदर डालूंगी, इससे ज़्यादा मसाले मैं इसके अंदर नहीं डालूंगी, क्योंकि हम लोग ना मसाले बहुत कम खाते हैं, और हम गर्म मसाला तो बिल्कुल भी नहीं खाते।
ठीक है। तो ये हमारा मसाले हैं मेनली, अगर हम पनीर बनाते हैं तो उसमें पनीर मसाला डालते हैं, और जैसे पाव भाजी वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो आता है मसाला वो डालते हैं, जो सांभर मसाला आता है वो डालती हूँ मैं, अदरवाइज हम लोग ज़्यादा मसाले नहीं डालते। तो देखिए इस टाइम ये बिल्कुल सही से ये मसाले भून जाएंगे इसके साथ, फिर उसके बाद में हम इसमें मलाई ऐड करेंगे, ठीक है। तो पनीर आप इसमें नमक मिर्च अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं, हल्दी वगैरह भी बढ़ा घटा सकते हैं, क्योंकि हल्दी भी हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं तो इसलिए, ठीक है। तो अभी ये मसालों के साथ में अभी ये भून रहा है, ठीक। अभी इसमें जब मैं मलाई डालूंगी तब उसके बाद ये अभी और भुनेगा। देखिए सारी वेजिटेबल ठीक से गल रही हैं धीरे धीरे। अब देखिए इसमें मैं मलाई ऐड करूंगी 2-3 चम्मच। ये हमारी घर की मलाई है सिंपल सोबर वाली, देखिए ये तो मैं इसमें ये 2-3 चम्मच ये ऐड करूंगी, ठीक है। जो दूध की उतरी हुई मलाई होती है ना फ्रेश, वो आप इसके अंदर डालें, क्योंकि अगर आप इसमें काफ़ी दिन की रखी हुई मलाई डालेंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए आप मलाई आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब मेरे यहाँ पे बच्चों को काफ़ी अच्छी ग्रेवी पसंद है, इसीलिए मैंने ऑयल शुरू में बहुत कम डाला था। देखिए अब इस मलाई को आप इसके अंदर सही से एब्जॉर्ब करिए। देखिए अभी चलाएंगे हम लोग तो ये ऑयल छोड़ने लगेगी ये मलाई, ठीक है। और इसमें आप दही भी डाल सकते हैं मलाई की जगह पे, अगर आपको लग रहा है कि हम मलाई नहीं खाते हैं तो आप इसमें दही डालें, ठीक है। देखिए अभी ये मलाई डालने के बाद ना ये मलाई अपना घी छोड़ेगी, ठीक है। अब इसको धीमी धीमी आंच पे आप बनाते रहें। अभी अपनी मलाई जब ये घी छोड़ना स्टार्ट कर देगी उसके बाद हम इसमें पनीर ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है ना इसमें आपको मतलब ये वेजिटेबल आपको ऐसे ही दिखती रहेगी, तो ये अच्छा लगता है। आप नान से खाओ, रुमाली रोटी से खाओ, सिंपल रोटी से खाओ, जो फुलके होते हैं उससे खाओ, चावल से खा सकते हैं, लेकिन चावल के हिसाब से ना इसमें ग्रेवी थोड़ी कम होती है, तो ये ज़्यादातर जो खाया जाता है वो नान वगैरह से ही खाया जाता है। तो हमारे घर पे भी अधिकतर हम ऐसे ही खाते हैं, रोटी से, पराठों से या रुमाली रोटी से, जैसे अगर बाहर से कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो हम लोग फिर उसी तरीके से खाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप अगर चाहेंगे तो इसकी ग्रेवी थोड़ी बढ़ा सकते हो, अगर चावल से आपका खाने का मन है तो आप इसकी ग्रेवी थोड़ी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो वो सब आपके हाथ में है, लेकिन मैं जैसा हम लोग खाते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको ये अच्छा लगे मेरा पनीर बनाने का तरीका तो आप इससे मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहें आप कि देखिए मैं आपके साथ और भी आगे आगे, क्योंकि मैं कुकिंग बहुत कम करती हूँ तो मुझे कुकिंग की इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं जो भी चीज़ें बनाती हूँ वो मैं काफ़ी मन से बनाती हूँ, यू नो। ज़्यादा मसाले ऐड करने से कुछ नहीं होता है, आप इसमें ना प्यार ऐड कीजिए, तब उसके बाद देखिएगा सब्जी का क्या फ्लेवर आता है। तो देखिए आप क्लोज से देखिए कि ये पनीर जो है ये सारा इसने मलाई ने अपना छोड़ दिया है ना। तो अभी ये साइड से ना सारी ऑयलिंग ऑयलिंग वाली हो गई है, अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। पनीर को हमें तलना वगैरह नहीं है बिल्कुल भी, सिंपल सोबर ही ऐसे ही हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए पनीर को ना मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं बहुत सिंपल सोबर तरीके से, बहुत ईजी तरीके से खाना बनाती हूँ जितना भी बनाती हूँ। तो देखिए अब मैं इसमें ये मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। अब हम इसको मिक्स करने के बाद ना थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये ना रेस्ट हो जाए। अभी क्या है अभी ये बनी नहीं है, अब इसमें जब पनीर थोड़ी देर तक ना 5 मिनट कम से कम हमें गैस ऑन रखनी है इसके साथ अभी। तो देखिए अभी इसको 5 मिनट पनीर को हो गए हैं, ठीक है, इसमें डाले हुए। तो ये इतने में भी बहुत बिल्कुल बन के तैयार है, मुझे नहीं पता वीडियो में आपको कैसा लग रहा है देखने में, बट ये रियल में तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, ठीक है। तो अभी ये स्टेम बिल्कुल तैयार है, तो इसको अब हम ना इस स्टेज पे आके थोड़ा सा इसमें धनिया ऐड करेंगे, ठीक है। धनिया इसमें हम अभी तो थोड़ा ही डालेंगे, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा धनिया इसके गार्निश के लिए रखूँगी। तो अभी मैं आपको इसको सर्व करके दिखाऊंगी। अभी इसको धीमी धीमी आंच पे थोड़ी सी देर और पका सकते हैं हम, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से पकाएं, ठीक है। देखिए पनीर मेरे यहाँ पे वेजिटेबल बहुत ज़्यादा खाते हैं हम लोग, तो आपको इसमें पनीर के पीसीज मेरे हिसाब से कम लग रहे होंगे, लेकिन ये कम नहीं है, ये काफ़ी अच्छा है। जो आप कढ़ाई पनीर रेस्टोरेंट वगैरह में भी जाके ऑर्डर करेंगे तो उसमें भी आपको इसी तरीके से मिलेंगे, ठीक है। आप कभी भी ना मेरे कहने से एक बार अगर होटल में खाना खाने जा रहे हैं तो आप कढ़ाई पनीर ऑर्डर करिएगा, और फिर मेरी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, फिर उसके बाद देखिएगा आपके इसी तरीके से वेजिटेबल दिखती हुई होती है कढ़ाई पनीर में। लेकिन जो शाही पनीर होता है ना उसके अंदर वेजिटेबल जो होती है वो हम लोग मैश कर देते हैं, और उसमें वेजिटेबल डलती भी नहीं है, उसमें सिर्फ आपको ऑनियन मिलेगी, टमाटो मिलेगा और लहसुन वगैरह मिलेगा, जो मैंने इसमें लहसुन तो मैंने नहीं डाला है, और ये शिमला मिर्च वगैरह शाही पनीर में नहीं डलती हैं, ठीक है। तो ये तो पंजाबी पनीर जो बनता है उसमें भी डलती हैं, और क्या कहते हैं कढ़ाई पनीर में डलती हैं। तो देखिए मैं तो इसी तरीके से पनीर बनाती हूँ। ये देखिए मैंने इस टाइम बिल्कुल रेडी है, ये सिमसिम आँच पे मैं पकने दे रही हूँ इसको, उसके बाद मैं इसको आपको सर्व करके दिखाऊंगी। गार्निशिंग में ऐसा कुछ मैं नहीं करती हूँ, थोड़ी सी ऊपर से चिल्ली, जो मैंने दो दो चिल्ली आपने देखा होगा अलग रखी थी एक साइड में, पहले मैं उनसे इनको गार्निश करूँगी।
तो देखिए ये मैंने सर्व कर लिया है और ये मैंने हल्का सा गार्निश कर दिया। देखिए आपने हरी मिर्च देख रहे होंगे आप लोग हल्की हल्की, और काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। और अभी तो खाने के बाद मेरी बेटी बताएगी कि ये कैसा लग रहा है। तो देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, और आप भी बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मैं बहुत ईजी वे में बनाती हूँ और बहुत कम टाइम में बनाती हूँ। देखिए 10 मिनट में तैयार हो गया, और बल्कि 10 मिनट से भी पहले ही तैयार हो गया था। अगर चॉपिंग कटिंग आपको करी हुई मिलेगी ना तो 10 मिनट भी नहीं लगता है। ठीक है, तो अभी बताते हैं मेरी बेटी की कैसा लगता है ये। तो देखिए अभी इसके साथ हमने पराठे नहीं बनाए हैं, अभी मैं इसके साथ ना पराठे बनवाऊंगी। अभी मेरे हस्बैंड नहीं है घर पे, तो अभी हम बना के नहीं रखते हैं, उनके सामने ही बनाएंगे। तो देखिए मेरी बेटी ये स्टार्ट कर रही है अब इसको खाना। बताओ बेबी कैसा लग रहा है? यम्मी, सो यम्मी या कम यम्मी? सो यम्मी। सो यम्मी। चलिए मेरी बेटी ने पास कर दिया तो समझो पास ही हो गया। ठीक है, तो आप बनाइएगा जरूर, ट्राई करके देखिएगा एक बार कढ़ाई पनीर। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे बताइएगा कि कढ़ाई पनीर की रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।